हे गाइज, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। गाइज, आज के वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं इश्किया एपिसोड 14 के बेस्ट स्कैन पर, सीन पर, और इश्किया ड्रामे के ओएसटी पर। गाइज, हमने रिएक्शन किया था एंड उसके अंदर फैज़ान ने ना मुझे उसकी ड्रामे की स्टोरी बताई थी। फैज़ान पूरा ड्रामा फॉलो करा था, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा था, लेकिन फैज़ान ने मुझे स्टोरी बताई थी इस ड्रामे की, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा लगा। तो मैंने ना इसके 11 एपिसोड देख डाले ऑलमोस्ट, और अभी जो लेटेस्ट कुछ एपिसोड है वो वाले नहीं देखे मैंने। और इसमें ना मुझे हानिया आमिर का कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कमाल का लगा है, क्योंकि काफ़ी फ़नी कैरेक्टर दिखाया है उनका, और बहुत ही मतलब मजाकिया और मतलब बिंदास एकदम, जो अपना काम मनवाना कोई इनसे सीखे। मतलब जिस तरह से वो अपने काम फिरोज खान से मनवा लेती कैसे भी करके, वो ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ते हैं, और बड़ा कमाल का लगता है वो। और इनके इनका ही एक बेस्ट सीन है लास्ट प्रीवियस एपिसोड में से, उस पर हम आज रिएक्शन करने वाले हैं। तो बड़ा ही एक्साइटेड हूँ मैं इस सीन को देखने के लिए। लेकिन उससे पहले हानिया आमिर का एक व्लॉग आया था जिसका टाइटल है इश्किया फिरोज़ और मैं ड्रामा, हानिया व्लॉग 8। सो हानिया आमिर के यूट्यूब चैनल से ये व्लॉग मुझे मिला, मुझे पता नहीं था इनका यूट्यूब चैनल भी, लेकिन हमारे फैंस ने बताया कि इनके व्लॉग अच्छे होते हैं, उस पर भी रिएक्शन करो। और तो मैंने देखा तो ये फिरोज़ खान के साथ ही इन्होंने व्लॉग बनाया हुआ है इश्किया के सेट से, तो वो देखने के लिए तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मुझे ये भी देखना था साथ में कि पाकिस्तानी ड्रामाज में किस तरह से शूटिंग होती है, कैसा सेट होता है, कैसे सब कैमरा वगैरह सब देखना था मुझे। तो मुझे लगता है इस व्लॉग में काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है। तो पहले हम ये व्लॉग देख लेते हैं, उसके बाद ना वो वाला सीन देखेंगे हम जो आप टाइटल में पढ़कर यहाँ पर आए हैं, सो उस पर भी रिएक्शन करेंगे। लेकिन पहले ये व्लॉग देखते हैं, इसकी भी बहुत रिक्वेस्ट थी, तो हमने सोचा दोनों को साथ में रिएक्शन करते हैं। शुरू करते हैं गाइस, हियर वी गो। So today I'm on my set for this new drama that I'm doing. This का नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, the Firoz Khan वाला। अच्छा, नाम उस टाइम डिसाइड नहीं हुआ था। Okay, so today is a very special day because it's Anusha's birthday. Anusha is my. मुझे लगता है ये real life में भी इसी तरह की है, काफी fun loving. क्या बात है, मस्ती चल रही है, मजा आने वाला है। अ डे ऑन सेट ड्रामा इश्किया। ये म्यूजिक कॉपीराइटेड होगा, इसे तो गायब करना पड़ेगा। हाँ। खोलो भाई खोलो। बर्थडे गर्ल। तो हम आज बनवा रहे हैं ब्लॉग। हाँ ना, ये बन रहा है। सही है, ठीक है। हाँ। बताइए, कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए? व्यूअर्स शम्मू आ गई। शम्मू आ चुकी है इनको। शम्मू ये है शर्म को शम्मू। प्रोडक्शन डिजाइन हमारे अभी कई लोग इस तरह से बोलते हैं, शर्म को शम्मू। आ गई टैलेंटेड मार्कर से लगाती हैं ये मेहंदी मुझे हर दूसरे दिन, और फिर हमारे कपड़े गंदे होते हैं उससे। हां, से हाय। और ये है महा, महा बीमार बीमार। ये है न्यूशेज असिस्टेंट, और हमारे करता धरता सेट पे, और पीछे छुपे हैं शबीर भाई। तालियां, सब तालियां बजाएंगे। तालियां शबीर भाई, जो जो कपड़े मैं पहनती हूँ वो सही से मुझे लाके देते हैं, मेरी ड्यूटी और सब कुछ मुझे स्टाइल करते हैं, मैं स्टाइलिस्ट है शबीर भाई, द स्टाइलिस्ट। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है मेरी आईब्रो। बर्थडे फीस, बड़ा दर्द होता है। हाँ। बीमार हूँ लेकिन मैं खाऊंगी। मेहंदी लगा के रखना, सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। कितनी क्यूट लगती है यार। हाँ यार,
फिरोज खान स्टड. ऐसे उल्टा स्पिनर स्पिनर. दामाद को ना दो दफा कह दो, दामाद है आपका दामाद. ओहो डायरेक्टर साहब क्या बात है. मजा आता होगा यार सेट पे भी बहुत. फराज भाई. The cake has been downstairs in the fridge for an hour now. My friends, I have asked them to come and get some balloons and stuff and candles and all. लेकिन अब से वो पहुँची नहीं है, अगर मुझे reply नहीं कर रहा message का तो मैं तो freak out कर रही हूँ. और मैंने 50 एक scene करनी है change कर करके, मैं पागल होने वाली हूँ. बस होप दैट इस vlog का भी कोई फ़ायदा हो जाए, और मतलब सारी recording करने में भी कोई फ़ायदा हो जाए, और मतलब दिमाग ज़ाया करने का भी यार मतलब. ये व्लॉग उन्होंने पहले से शूट किया हुआ है और उन्होंने प्लानिंग की होगी कि इसकी जब आएगा तब इसे रिलीज करेंगे. हाँ बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में बात ना ड्रामा रियल लाइफ कैरेक्टर भी काफी ज्यादा फनी है इनका यार. बताएंगी मैंने एक मैसेज देना है. वी गाइस तो फाइनली मावी रजान आ गए थे, और अब हमारे पास कुछ अदद गुब्बारे भी हैं, और हमारे केक भी तैयार हैं, पूरे मेल्ट हो रहे हैं. लेकिन हमने मतलब कुछ कर लिया है, बस जल्दी जल्दी अभी एक सीन रह गया, एक सीन रह गया. और चाचा ने सब सेटिंग कर लिया हमारे लिए. हाँ ये हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ. डन आ गई. सीन. बुला रहे सीन के लिए. सीन रेडी है, आ जाओ. Happy birthday to you. Oh. Happy birthday to you. ब्लॉग डायरेक्टर. हाँ इतनी एक्साइटेड हो गई मैं आपको फोन छोड़ के आ गई. नहीं नहीं क्या था किप्रिया, मुझे गर्मी लग रही है. किप्रिया गाइस
तो कैसा लगा अनुषा आपको सरप्राइज? मुझे बहुत अच्छा लगा और बाय द वे ये मैं पहले देख चुकी थी, कोई सरप्राइज नहीं देख लिया था और फिर मैं पीछे चली गई, ये लोग छुपा रहे थे मुझसे तो मैं पीछे चली गई। चलो अच्छा है, दिल रखने के लिए प्रिटेंड कर लिया हम डिनर, बट बाद में बता भी दिया। व्हाट इनके व्लॉग्स देखने में तो बड़ा मजा आएगा यार, मुझे और भी देखना चाहूंगा क्योंकि इनकी पर्सनालिटी बहुत पसंद आई मुझे। मतलब जिस तरह से सीरियल में इनको दिखाया ना वो मुझे बहुत पसंद आया, बट यहाँ मैं देख रहा हूँ कि रियल लाइफ में भी कुछ वैसी ही है। वही बिल्कुल करेक्ट। और ये व्लॉग प्लान के साथ पूरा रिलीज किया गया है क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि हमने एक ड्रामे की शूटिंग करा है जिसका नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है और बाद में लेकिन ये जब व्लॉग रिलीज किया गया तब तो जाहिर सी बात है ड्रामे की शूटिंग तो पूरी कंप्लीट हो गई क्योंकि ड्रामा टेलीकास्ट हो रहा है टीवी पर। बाद में उसमें नाम भी लिखा ना उन्होंने इस किया, तो बाद में उन्होंने इसमें सब बाद में दिखा दिया ना उन्होंने इस किया की शूटिंग है और टाइटल में भी लिखा है सेम वैसी हो रियल लाइफ में भी एक ड्रामे का और दिलरुबा उसमें भी इसी टाइप की है। हाँ दिलरुबा भी चल रहा है उसमें भी बड़ा मजा आ रहा है दिलरुबा में और ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर है इनका थोड़ा सा एडवांस है ये चला रही है उसमें लड़कों को इसकिया से ज्यादा एडवांस कैरेक्टर है उसमें, बट रियल लाइफ कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया इनका इस ब्लॉग को देखकर। और इन्होंने सही टाइम पे व्लॉग रिलीज किया, मतलब बहुत पहले से इन्होंने शूट करके रखा होगा और इन्होंने सोचा होगा कि जब ड्रामा टेलीकास्ट होने लगेगा तब इस व्लॉग को रिलीज करेंगे तो पब्लिक को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा देखने में, मजा भी आएगा। बिल्कुल सो मजा आया, सच में बहुत मजा आया। फिरोज खान और सबके साथ मतलब जो भी सेट पर जो भी लोग है काम करने वाले सबके साथ रिलेशन इनके बहुत मतलब अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी दोस्ती दिख रही है। हाँ बहुत प्यारा लगा और सेट भी कमाल का लगा और कितना सपोर्टिंग है, सपोर्टिव लोग हैं आपस में एक दूसरे को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। एक उन्होंने उनकी मेकअप आर्टिस्ट को सरप्राइज दिया इतना शानदार, तो बहुत मजा आया वो देख कर। खैर गाइस अभी हमें एक और रिएक्शन करना है जो कि होने वाला है इश्किया एपिसोड का बेस्ट सीन, तो ये रिएक्शन देखने के लिए गाइज आपको जाना पड़ेगा हमारे फेसबुक पेज पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि कॉपीराइट इशू है ARY डिजिटल से हमारे पास परमिशन नहीं है। सो ARY डिजिटल से परमिशन मिल जाएगी तो हम यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे बिल्कुल, बट अभी जो है हमें ये व्लॉग फेसबुक पर अपलोड करना पड़ रहा है, सॉरी ये वीडियो जो कि इश्किया ड्रामे से है तो हमें फेसबुक पर अपलोड करना पड़ा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिलहाल इसके बाद हम छोटा सा एक रिव्यू करने वाले उस सीन का, तो वो देखने के लिए आप बने रहिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाके पूरा रिएक्शन भी देख लेना। क्या हुआ? चाबी ले गई। ओह गाड़ी की चाबी ले गई यार, मतलब सोचो बंदा चले ना जाए अकेले, इसे कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन। बहुत कमाल एक्टिंग है इनकी यार, कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा फनी है। हाँ और जो लोग खुश मिजाज होते हैं ना उनकी लाइफ में भी मैंने देखा है, जो पॉजिटिव रहते हैं बेसिकली उनकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होता है और मुझे लगता है कि सबको पॉजिटिव ही रहना चाहिए, सबके साथ नहीं बोल रहा हूँ किसी की, जो मोस्ट ऑफ द लोग जो पॉजिटिव रहते हैं ना उनके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। और उनके साथ भी कितना अच्छा अच्छा हो रहा है, सास भी इतनी प्यारी है जो कोई साजिश नहीं करती है, सही है। और इनकी जो एक वो है ननद, हाँ वो भी कुछ नहीं कर रही, हस्बैंड भी कुछ भी नहीं बोलता है बेचारा, गुस्सा आता है बट फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है, तो हर लड़की की मतलब मेरे ख्याल से जबकि यार वो कितनी बातें बनाती है, कितनी मुँहफट बताए उसको, कुछ हाँ, भी बोल देती है। वही वही वो कुछ भी बोल देती है किसी को भी, बट किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मस्त है यार ओवरऑल वो जिम वाला सीन तो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा ज़बरदस्ती गले पड़ना किसी के, इसको कहते हैं सही है। और उसी के कपड़े वगैरह पहन के, जूते पहन के, सो बहुत मज़ा आया गाइज। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो हम इसके और भी आने वाले एपिसोड्स के इस तरह के छोटे छोटे सीन्स पर रिएक्शन करेंगे, लेकिन रिएक्शंस आपको फेसबुक पर ही देखना पड़ेंगे। फेसबुक पेज हमारा ज़रूर फॉलो कर लेना गाइज, एंड हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? वीडियो अच्छा लगे तो
वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर दबाना है। सो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।